संस्था के साथ इसलिए जुड़ा हूँ कि मेरा दोस्त है हर्ष, और हर्ष बहुत अच्छा काम करता है बच्चों के लिए। मैं भी चैरिटी करता हूँ, लेकिन ऐसे फंक्शन में नहीं करता हूँ, मैं क्वाइटली करता हूँ। तो जब भी कोई मुझे चैरिटेबल इवेंट पे बुलाता है, कोशिश करता हूँ आने की। और ये तो मेरा दोस्त है, भाई जैसा है, तो अगर नहीं आता तो फिर मुझे मार पड़ती, इसे तो आना पड़ा। और मैंने भी कुछ अपने टी शर्ट दिए हैं यहाँ पे। ये छोटी सी बच्ची है स्वाति, उसको डॉक्टर बनना था, उसके पेरेंट्स नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ HIV, तो मुझसे जो भी हो सकता है मैं करता हूँ। एंड थैंक्स टू पीपल लाइक साजिद सर हु फुल्ली सपोर्ट दिस कॉज। नहीं, आई थिंक बच्चों के साथ कनेक्शन से सबका ही होता है। जिनकी औलाद होती है उनका भी कनेक्शन होता है, उनको दूसरों बच्चों के साथ भी कनेक्शन होता है, जिनकी औलाद नहीं होती उनको भी कनेक्शन होता है, आई थिंक। और गरीब बच्चे उनके साथ तो कनेक्शन बहुत जुड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चैरिटेबल फंक्शन जो गरीब बच्चों की ख्याल रखते हैं, लेकिन आप अभी भी कभी भी सड़क पर जाएंगे तो आपको हर सड़क पर, हर गली में, हर सिग्नल पे 10-15 गरीब बच्चे दिखेंगे ही दिखेंगे। भले उनके माँ बाप उनसे वो काम करा रहे हैं या ना करा रहे हैं, भले वो अनाथ हैं या ना अनाथ हैं, लेकिन हर सिग्नल पे आपको गरीब बच्चे दिखते ही दिखते हैं। तो क्यों है वो सिग्नल पे? Somebody has to take care of them। तो हमसे जो बन पड़ता है हम करते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा मूवमेंट है जो हर्ष कर रहा है। हाँ, मेरे भाई, मैं थोड़ा सा वो पुराने स्कूल का हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल किस्म का आदमी हूँ। मैं बहुत चैरिटी करता हूँ, लेकिन कभी उसके बारे में पब्लिसिटी नहीं करता हूँ। मैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। मैंने 2 बच्चे अडॉप्ट भी किए हैं, मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करता हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा कौन है वो बच्चे, उनका खर्चा मैं उठाता हूँ, सब मैं करता हूँ। तो बहुत सारा, मतलब आई थिंक वो बहुत पर्सनल चीज़ होती है। आप पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कभी बोलूँगा नहीं और कभी नाम नहीं लूँगा किसी का। अभी बहुत जल्द सबको बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट के बारे में मालूम पड़ेगा, बहुत जल्द। जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है। अल्टीमेटली देखिए, जो भी अनाउंसमेंट होती है वो बेस्ट अनाउंसमेंट होती है अगर आदमी खुद करे। और अब मैं ट्विटर पे भी हूँ तो आई थिंक सबसे पहले अनाउंस मैं ही करूँगा। तो बहुत जल्द। हाँ जी बोलिए। जी, इसका नाम है शर्ट ऑफ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने जो मूवी में पहने हुए कुछ कपड़े हैं, अपने पर्सनल कपड़े, उनको मैं एक ऑक्शन करता हूँ। लोग आते हैं मुझसे, मैं उनसे मिल भी सकता हूँ इस बहाने, और वो एक तरीके से वो लोग भी कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो एक सिम्बायोटिक सी सिचुएशन होती है जहाँ पे दोनों चीज़ें एक दूसरे को हेल्प करती हैं। तो ये स्वाति है, और मैं इसको मिला था जब ये 4 साल की थी। इसके पेरेंट्स नहीं रहे क्योंकि HIV हो गया था उनको, बट शी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। और जब मैं पहली बार मिला तो सबसे पहली चीज़ जब मैंने पूछी कि क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, जो हर कोई पूछता है, तो इसने कहा कि डॉक्टर बनना है।
तो मुझे कहीं ना कहीं याद आया कि बचपन में मेरे भी पेरेंट्स सोचते थे ऐसा कि मैं भी शायद डॉक्टर बनूंगा, जो मैं ऑब्वियसली नहीं बन पाया, और बहुत मुश्किल भी होता है। कई कारण होते हैं लोगों के, मेरा कारण तो सिंपल था, मैं पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भयंकर सा नहीं था। बट मैं कोई ऐसा रीज़न नहीं आने देना चाहता हूँ जिसकी वजह से स्वाति की पढ़ाई कभी रुके, तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेना चाहता हूँ। हर कोई कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप किसी एक इंसान की मदद करें तो द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस, तो मेरी छोटी सी कोशिश है, एक इंसान की मैं मदद कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। लोग इतने सारे मदद करें, मैं अकेला नहीं हूँ जैसा आप देख रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू साजिद सर ऑल्सो फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। तो बस मुझे खुशी इस बात की है कि कभी स्वाति को रुकना नहीं पड़ेगा, उसे डॉक्टर बनना है तो मेरी तरफ से जो होगा मैं कर सकूँगा। जी ये सर मेरा ही आइडिया है। क्या हुआ था कि कुछ साल पहले मेरे को कॉल आने लगे कि चैरिटी करिए, लोगों को लगता है कि आप एक्टर बन गए हो तो आपको बहुत सारी चैरिटी करनी ज़रूरी होती है, और तो मुझे आई डोंट कम फ्रॉम, मैं 16 साल का था तो मैं अपने घर से भाग गया था, और मैंने जो भी किया है फिगर आउट किया है लाइफ में कैसे क्या करना, तो आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे बड़े बड़े चेक साइन करके दिए जा रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मैं अपनी तरफ से अपने हाथों से कुछ करूँ कि लोगों को इन्वॉल्व करके कि जिसमें किसी की मदद हो सके, तो ये आइडिया फिर निकल के आया। और इसमें गराज सेल टाइप का कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें क्या है कि पुराने फिल्म के, पिछली फिल्म के कुछ कपड़े और अपने पर्सनल यहाँ पे हम लोग शोकेस करते हैं, लोग आते हैं उसको खरीदते हैं। वैलेंटाइंस भी इसी से रिलेटेड है, आज के दिन में जो जो लोग आए हुए हैं उन सब का नाम और नंबर हमारे पास रहेगा, इनमें से एक लकी ड्रॉ निकलेगा और वैलेंटाइंस में हम उस इंसान के साथ, उस लड़की के साथ सेलिब्रेट करेंगे। दो सिटीज़ में कर रहा हूँ मैं, एक बार हैदराबाद में, एक बार बॉम्बे में, तो इतना ही हो जाए मुझसे तो काफ़ी होगा, और किसी चीज़ के लिए टाइम बचेगा नहीं। कुछ एक्साइटिंग है और बहुत जल्दी मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, बट चीज़ों का अपना टाइम होता है और अपने टाइम पे चीज़ें अनाउंस हो तो ज़्यादा बेटर होता है। बट आई डेफिनेटली प्रॉमिस एवरीवन कि जो पिछला काम उन्होंने देखा है उससे भी ज़्यादा स्माइल करेंगे जब वो मेरा काम देखेंगे। थैंक यू केरोसिन खत्म हो गया। नहीं नहीं मेरे How are you? It would have been lovely to see you here. Can you see me? एक बार आपको इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सॉरी। No problem. इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं। Hi Parth, how are you? Love you Harsh. Thank you guys. Thank you. See, we got peacock Harsh. Thank you for supporting always. I just saw the peacock. Yeah, Nawal ne peacock. Thank you Nalin, and I hope the t-shirt fits you. Or नहीं भी तो मैं body बना दूँ। Nalin, चल, I just finished. Last Nawal और Nawal. Make sure her dream is becoming a doctor.
I do it in a garage. I think what Harsh is doing is really commendable. I think it's really kind, and I really like it because even my dad's a doctor. So for a child to be, you know, 4 years old and say, I have a dream to be a doctor, and he's been helping up for 3 years now. This is your fourth year. And I think that's fantastic. At the end of the day, I mean, we're the second largest populated country in the world, so we need to help each other out. Honestly, I feel as actors and as people who the public actually looks up to, we need to do these things at the end of the day. It's part of our, not just job, but it's something that as a human being you should do. I'm shooting. I'm far away from everyone. Thank you. So I'm doing a Tamil film right now, and then I'm going to sign 1-2 films in the next coming months. Thank you, guys. Yeah, both of you here? Yes, and look here. I'm here. Thank you. Thank you. Thank you. So what we do is child. So if each of us, each youngster can do some good deed in a day or any such gesture, I think it'll bring a smile on us, not only to for you, in your heart will smile, and I'm sure the little child is overwhelmed and so happy that she's doing so good for, I'm like, she's fulfilling her goal. Okay, aap kis tarike se judi hui hai chali? Pardon me? Aap kis tarike se judi hui hai chali? He's doing first time in Bombay. वो चार साल से हैदराबाद में कर रहे हैं. So I've come to encourage him. I think such charity things should be encouraged so that everybody takes a step and does such small small things. We all have plenty of, like, you know, in Bombay especially, nobody has time to do anything. To especially remove time and do such good deeds, I think it's also very good.